Now today we are doing mental maths topic is calendar. In the previous video we got how to find out leap year or ordinary year and when the calendar will repeat. This we got in previous video. Now today we will learn about how to find out the day on the given date. Finding out the day on the given date कि किसी भी डेट पे कौन सा डे है बिना कैलेंडर की हेल्प लिए हम किस तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं दिस वी विल नो इन दिस वीडियो नाउ वॉच इट प्रॉपरली नाउ बिफोर टू लर्न हाउ टू फाइंड आउट द डे फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन दीज टेबल्स एंड अकॉर्डिंग टू दीज टेबल्स और रूल्स वी हैव टू फॉलो the following given rules. Now here you can see these are the codes. In the first table you can see that January, Feb, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. Their codes are written 144025036146. तो ये जो कोड है इनको हमें लर्न करना होगा उसके बाद ही हम जो है फाइंड कर पाएंगे इनको लर्न करने की ट्रिक ये है कि ये जो 144 मींस शुरू के ये जो तीन नंबर हैं ये 12 का स्क्वायर है 12 का स्क्वायर 144 होता है इसमें 144 आ रहा है अप्रैल और मई और जून का जो कोड है वो 25 है ये 5 का स्क्वायर है 025 जुलाई अगस्त और सेप्टेम्बर जो है ये 6 का स्क्वायर है 036 और जो अक्टूबर नवंबर और दिसंबर है ये 12 के स्क्वायर में प्लस 2 हो रहा है 12 का स्क्वायर होता है 144 और इसमें जो है 12 के स्क्वायर का प्लस 2 हो रहा है तो 146 है ये कोड जो है ऊपर वाला जो दिया हुआ है ये ऑर्डिनरी ईयर के लिए है ये यहाँ पे लिखा है ऑर्डिनरी ईयर के लिए ये कोड लगाने अगर ऑर्डिनरी ईयर है अगर लीप ईयर है तो जनवरी और फरवरी में जो है जैन और फेब में हमें कोड चेंज करने पड़ेंगे 0 और 3 लेना पड़ेगा सो दीज आर द कोड्स ऑफ मंथ नाउ इन द नेक्स्ट टेबल यू कैन सी दैट दीज आर द कोड्स ऑफ डेज तो संडे कोड इज 1 मंडे 2 ट्यूसडे 3 वेडनेसडे 4 थर्सडे 5 फ्राइडे 6 एंड सैटरडे 0 सो दीज आर द कोड्स फॉर डेज And in the last table, you can see that century codes are there for 16th century, 1600, this is 6, 17th century, 4, 18th century, 2, 19th century, 2000, and 21st century, 4. ऐसे ही अगर मान लिए कोई और सेंचुरी आ जाती है, तो हमें कोड निकालने के लिए क्या करना होगा? कोई भी अगर सेंचुरी आ जाती है अभी तो मैंने कुछ कुछ ही सेंचुरीज इसमें दी हुई हैं मान लीजिए अगर आ गया 900 सेंचुरी की आपको डेट निकालनी है अब उसका कोड आपको नहीं पता है तो इस कोड को हम फाइंड कर सकते हैं 400 से डिवाइड करेंगे इसको और 400 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा 400 बन जा 400 400 टू जा 800 रिमाइंडर आ रहा है 100 तो रिमाइंडर ही हमें कोड बताता है अगर हमारा रिमाइंडर जो है 100 होगा तो कोड 4 होगा अगर रिमाइंडर 200 होगा तो कोड 2 होगा अगर रिमाइंडर 300 होगा तो कोड 0 होगा और अगर रिमाइंडर 0 होगा तो कोड 6 होगा इस तरीके से हम किसी भी सेंचुरी का कोड निकाल सकते हैं 400 उस सेंचुरी को डिवाइड करना है अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो कोड 6 होगा रिमाइंडर 100 आ रहा है तो 4 होगा 200 आ रहा है तो 2 होगा और 300 आ रहा है तो 0 होगा नाउ वी विल लर्न अबाउट द मेथड बाय यूजिंग फ्यू एग्जांपल्स दिस फॉर्मूला वी हैव टू यूज फर्स्ट ऑफ ऑल डेट देन प्लस मंथ कोड जो कोड हमने स्टार्टिंग में भी देखे थे और उसका कोड लिखेंगे मंथ का
प्लस ईयर का कोड, प्लस ईयर लिखेंगे पहले जो भी ईयर है, उसके बाद उसमें कितने लीप ईयर आ रहे हैं वो नंबर लिखेंगे, प्लस सेंचुरी कोड लिखेंगे। अपॉन फिर उसको 7 से डिवाइड करेंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा उससे कोड डे के कोड से कंपेयर करेंगे, जो भी रिमाइंडर होगा उसको डे के कोड से कंपेयर करेंगे। नाउ लुक एट द एग्जांपल्स। द फर्स्ट एग्जांपल इज लाइक टुडे डेट इज 29 January 2022। इसका डे निकालते हैं, फॉर्मूला है डेट तो 29, जनवरी का कोड है 1, प्लस ईयर कौन सा है इसमें दिया हुआ 22 ईयर दिया है तो 22 को भी प्लस करेंगे, प्लस अब 22 में लीप ईयर कितने आ रहे हैं, अगर हमें पता नहीं है लीप ईयर कितने आ रहे हैं तो इसको डिवाइड करेंगे 4 से, 2 5 4 5 20 2 रिमाइंडर, तो ये 5 लीप ईयर आ रहे हैं तो यहाँ पे 5 प्लस होगा। उसके बाद सेंचुरी का कोड लिखेंगे, 2000 का कोड जो है वो 6 है तो प्लस 6 लिखेंगे। उसके बाद 7 से डिवाइड करना है, When we add all, then we got 63. और 63 को अगर हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, we know that 7 9 63, तो यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, ज़ीरो रिमाइंडर बच रहा है। तो रिमाइंडर ज़ीरो होने पे अकॉर्डिंग टू द टेबल कौन सा डे होगा, तो टेबल में सैटरडे का कोड जो है वो ज़ीरो दिया है, तो आज सैटरडे है और ये आज की डेट है। सो यू कैन सी दैट बाय द डेट ओनली वी कैन फाइंड द डे। नाउ फ्यू मोर एग्जांपल्स। नाउ दिस इज द सेकेंड एग्जांपल एंड वी आर टेकिंग द डेट एज 15 August 1947। नाउ ऑन दिस डे, on this date which day is there, now we will find, formula is first of all write date, we have written 15 plus month code, month is August so code is 3, you can see in the tables that you have made these three tables, August ka code jo hai wo 3 hai, uske baad year 47 hai, 47 year mein kitne leap year aa rahe hain इसको फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 4 4 1 4। नाउ व्हाट इज रिमाइंडर 3 और दिस इज 11, सो 11 वी हैव टू राइट 11 लीप ईयर्स। आफ्टर दैट सेंचुरी कोड फॉर 1900 दिस इज 0, सो वी विल ऐड 0 and we will divide by 7. When we add what we got, 15 plus 3 18 or 18 plus 47 65 plus 11 76 upon 7. Now when we divide it by 7, when we divide 76 by 7, now we are dividing, divide 76 by 7, 7 ones are 7, then we can take 0, 6 is the remainder, remainder is 6, You can see that when remainder is 6 in the table of day, it is 6 code is for Friday. Now you can check the day on 15th August 1947 was Friday. Now this is the third example
नाउ वी आर टेकिंग डेट एज 26 जनवरी 1950। नाउ वी नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डेट 26 जनवरी कोड 1, देन ईयर 50, एंड देन हाउ मैनी लीप ईयर्स आर देयर, वी विल डिवाइड बाय 4। नॉट 12 लीप ईयर्स एंड सेंचुरी कोड 1900, इट इज 0। नाउ डिवाइडेड बाय 7, वेन वी एड वी गॉट 89। 89 डिवाइडेड बाय 7, नाउ वी विल डिवाइड 89 बाय 7, नाउ वी विल डिवाइड 89 बाय 7, नॉट डिवाइड 89 बाय 7, 7 वन जो 7 19, 7 टू जो 14, 5 इज द रिमाइंडर, वेन रिमाइंडर इज 5, यू कैन सी दैट इन द कोड 5 रिमाइंडर इज फॉर थर्सडे, हेंस यू कैन चेक दैट ऑन 26 जनवरी 1950 द डे इज थर्सडे। Now we will take one more example which is related to a leap year. Now this is the fourth example and you can see that in that example we will take date as 19th January 2020. Why we have taken this date? Because 2020 is a leap year, and in the leap year situation what you have to do, लीप ईयर में सिर्फ जैन और फेब के जो कोड हैं वो चेंज होते हैं, वो टेबल नंबर 1 में दिए हुए हैं कि अगर लीप ईयर है तो जनवरी का कोड 0 लेना है और फेब का कोड 3 लेना है। नाउ वी विल ऐड 19 मींस डेट, जनवरी का कोड यहाँ पे 1 नहीं लेंगे, 0 लेंगे, क्योंकि 2020 क्या है, एक लीप ईयर है और लीप ईयर में जनवरी और फेब के कोड चेंज हो जाते हैं, बाकी सारे कोड सेम रहते हैं। तो इसमें कोड दिया जाएगा 0, उसके बाद ईयर हो गया 20, नंबर ऑफ लीप ईयर्स 4 से अगर हम 20 को डिवाइड करेंगे आएगा 5, प्लस 2000 या 20th सेंचुरी का कोड जो है वह है 6, तो 6 प्लस करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे इसे 7 से। When we add 19, 25 and 6, आंसर इज 50, 50 डिवाइडेड बाय 7, 7 से 50 को डिवाइड करेंगे, 7 7 49, 1 इज रिमाइंडर, वेन एवर रिमाइंडर इज 1, यू कैन सी इन द सेकेंड टेबल 1 कौन से डे के लिए आ रहा है, 1 आ रहा है संडे के लिए।